दोस्तों, अगर किसी घाटी की सबसे ज़्यादा पिक्चर्स ली गई हैं तो वो है ग्रैंड कैनियन। ऐसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर घाटियां हैं, लेकिन ग्रैंड कैनियन की बात ही कुछ और है। अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित यह घाटी बेहद ही खूबसूरत और प्रकृतिमय है। 446 किलोमीटर लंबी और लगभग 6000 फीट गहरी यह वैली दुनिया के सबसे विशाल प्राकृतिक अजूबों में से एक है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग घूमने और ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। ये घाटी अमेरिका के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, लेकिन इस घाटी में ट्रैवल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये घाटी जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी माना जाता है। इस घाटी में आपको रास्ता खुद ही खोजना पड़ेगा। इसके रास्ते इतने भूल भुलैया हैं कि पल पल आपको भ्रमित कर देगी। यहाँ आग जैसी झुलसा देने वाली गर्मी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि पानी की तलाश भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इन सारी समस्याओं के बावजूद ट्रेवलर्स इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ खींचे चले आते हैं। ये दुनिया में अपनी तरह की इकलौती और बेहद ही रहस्यमय घाटी है। यही कारण है कि 1979 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में रखा है। ग्रैंड कैनियन एरिजोना राज्य से बहने वाली कोलोराडो नदी से बनी एक घाटी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस घाटी का निर्माण कोलोराडो नदी के बहाव से लगभग 60 लाख साल पहले हुआ था। इस घाटी का अधिकांश हिस्सा ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। ये अमेरिका का सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। सन 1919 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके अंदर 373 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, 89 स्तनपाई, 7 मछली और 47 रेप्टाइल्स की प्रजातियां थीं। वर्तमान समय में यहां 11 जनजातियां रहती हैं, जिसमें हवा सुपाई लोग भी शामिल हैं, जिसका अर्थ होता है नीले हरे पानी के लोग। इस जनजाति के लोग ये दावा करते हैं कि ये करीब यहाँ 800 वर्षों से रह रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके पुरखों का घर है। यहाँ के जनजातीय लोगों का गुजर बसर यहाँ आने वाले पर्यटकों से होता है। वो आने वाले टूरिस्ट को एक जगह से दूसरे जगह घुड़सवारी कराते हैं। इस घाटी में जाने के बाद आपको एकांतपन का अनुभव होगा। आप अपने आप को प्रकृति के करीब पाएंगे। यह घाटी करीब 60 लाख साल पुराना है, लेकिन इस घाटी की तलहटी चट्टाने करीब 2 अरब साल पुरानी मानी जाती हैं। सन 1540 में पहली बार कोई यूरोपियन यात्री स्पेन से चलकर यहाँ पहुँचा था। ऐसा कहा जाता है कि इस घाटी की गुफाओं में अमेरिकन इंडियंस रहा करते थे। वे यहाँ के मूल निवासी थे। उनके यहाँ पर कई पवित्र स्थान भी थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर रिसर्च किया तो घाटी की दीवारों के गुफाओं में 1000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच बनी सैकड़ों मूर्तियाँ खोजी गई हैं। यह हिरण और भेड़ के आकार की है। इन घाटी की वादियों में सुपोई नामक एक गांव है जो जमीन के सतह से करीब 300 फुट नीचे है, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मैक ब्रिज नामक ट्रेवलर, जो अब तक 60 देश घूम चुके हैं और कई प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि कोलोराडो नदी में 60 लाख साल तक समुद्र जैसा पानी था, लेकिन पिछले 20 सालों से इसमें परिवर्तन हो रहा है। ग्रैंड कैनियन में बहुत दुर्लभ पेड़ भी पाए जाते हैं। यह प्रकृति का एक तोहफा है। यह घाटी एडवेंचर के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ इस घाटी की सुंदरता देखने आते हैं। दोस्तों, आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं और प्रकृति को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, तो कभी एरिजोना जाने का मौका मिला तो इस अद्भुत ग्रैंड कैनियन को देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।